हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रायश्यू। दोस्तों, आज हम देखेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, जिसमें प्रॉब्लम सेट 35 हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं आज हम नया क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे को प्राइम नंबर। हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था दोस्तों कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। मैं आपको फिर एक बार याद दिला देती हूँ कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं दोस्तों, कि जिनके फैक्टर्स वन एंड वो नंबर इटसेल्फ जो होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, और जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं अ प्राइम नंबर जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो दोस्तों, को प्राइम नंबर क्या? को प्राइम नंबर मतलब द पेयर्स ऑफ नंबर विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। अभी कॉमन फैक्टर मतलब क्या है दोस्तों, कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ कि द फैक्टर्स ऑफ, अगर हम फैक्टर फोर के निकालेंगे तो देखेंगे तो कौन से होते हैं, वन टू फोर, बराबर है। सपोज हम अगला नंबर देखते हैं, पेयर चाहिए इसलिए हम दूसरा नंबर भी देखेंगे। नाइन मैंने लिया, सो द फैक्टर ऑफ नाइन कौन से हैं, वन थ्री और नाइन। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है दोस्तों, वो है वन, है ना। मतलब वन इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर फोर एंड नाइन, ठीक है। सो फोर एंड नाइन आर द को प्राइम नंबर्स, फोर एंड नाइन आर को प्राइम नंबर। दोस्तों, इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है, जैसे कि एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या, जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे कि 24, 25 या 24 एंड 25 या फिर 47 एंड 48, ऐसे जो नंबर्स हैं ये भी को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम सेट 35 में हमें क्या क्या पूछा गया है। डिटरमाइन वेदर द पेयर्स ऑफ नंबर्स गिवन बिलो आर को प्राइम नंबर्स। हमें देखना है कि जो नंबर्स पेयर हमें नंबर के पेयर हमें दिए गए हैं उनमें को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट है 22। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिखती हूँ, फैक्टर ऑफ 22, 22 के फैक्टर कौन से हैं, पहले हम वो लिख लेते हैं, वन टू इलेवन और 22 इटसेल्फ। ओके, दूसरा नंबर कौन सा है दोस्तों, फैक्टर ऑफ 24, इसके तो बहुत सारे हो सकते हैं 24 के, वन टू थ्री फोर सिक्स एट 12 24 इटसेल्फ। ओके दोस्तों, अभी इनमें कॉमन नंबर्स कौन से हैं देखो, वन वन है, टू टू है, बराबर है। मतलब एक से ज्यादा इसमें कॉमन फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर हो सकता, सॉरी को प्राइम नंबर हो सकता है दोस्तों, नहीं हो सकता, क्योंकि को प्राइम नंबर में रूल क्या है कि जिसमें एक नंबर ही कॉमन नंबर होता है, मतलब एक ही नंबर जो कॉमन होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। सो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22 एंड 24 आर नॉट को प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? देखते हैं अगला सवाल क्या है, 14 एंड 21। चलो फैक्टर ऑफ 14 देखते हैं पहले, 14 के फैक्टर कौन से हैं, वन टू सेवन और 14 इटसेल्फ। अगला नंबर है फैक्टर ऑफ 21। ओके, वन थ्री सेवन 21। अभी इनमें जो कॉमन फैक्टर हैं वो हमें ढूंढने हैं, वन
दोनों में कॉमन है, बराबर है, 7 दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब इसमें इस पेयर में एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर है, बराबर है। सो 14 एंड 21 आर नॉट को प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? अगला सवाल है, अगला नंबर है 10 और 33, ठीक है। अभी हम देखेंगे फैक्टर ऑफ 10। अभी 10 के फैक्टर कौन से हैं? 1, 2, 5 और 10 इटसेल्फ, ठीक है। बाद में हम देखेंगे फैक्टर ऑफ 33। सो 33 के फैक्टर कौन से हैं? 1, 3, 11 और 33, ठीक है। अभी इनमें से कॉमन निकालते हैं। कॉमन है 1, दोनों में कॉमन है, और दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों नंबर में एक ही कॉमन नंबर है, बराबर है। द नंबर 1 इज द कॉमन फैक्टर। सो 10 एंड 33 आर को प्राइम नंबर। ओके, अगला है 11 एंड 30। सो पहले हम देखेंगे फैक्टर ऑफ 11। 11 के फैक्टर हम निकालेंगे, 1 और 11 इटसेल्फ। अभी देखेंगे फैक्टर ऑफ 30। 30 के बहुत सारे हो सकते हैं, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 13, ठीक है। अभी इसमें हमें प्राइम नंबर मतलब जो कॉमन नंबर है, कॉमन फैक्टर है, वो देखना है, 1, 1 सिर्फ एक ही है, ठीक है। मतलब दीज नंबर्स हैव 1 ओनली कॉमन फैक्टर, द ओनली कॉमन फैक्टर। सो 11 एंड 30 आर को प्राइम नंबर। ओके, अगला सवाल देखते हैं, 5 एंड 7। तो पहले हम देखेंगे फैक्टर ऑफ 5। 5 के फैक्टर कौन से हैं? 1 एंड 5। और फैक्टर ऑफ 7 कौन से हैं? 1 और 7। आसान है, इसमें कॉमन फैक्टर है 1। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो 5 एंड 7 आर को प्राइम नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? अगला है 15 एंड 16। 15 एंड 16 क्या है दोस्तों? ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, बराबर है। मतलब 15 एंड 16 हम यहाँ पे लिखते हैं, 15 एंड 16 आर को प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम नंबर, ठीक है। इसीलिए 15 और 16 क्या है? दोनों को प्राइम नंबर है। अगला सवाल है 50 और 52। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? फैक्टर ऑफ 50। 50 के फैक्टर कौन से हैं? 1, 2, 5, 10, 25 और 50।
ठीक है। नेक्स्ट है नंबर फैक्टर ऑफ 52, 1, 2, 4, 13, 26 और 52। अभी इनमें हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना है, 1, 1 दोनों में कॉमन है, 2, 2 इसमें भी कॉमन है, बराबर है। सो इसमें एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब 50 and 52 आर नॉट को प्राइम नंबर, ओके। नेक्स्ट पेयर है 17, 18, सेम है, देखो दोस्तों 17 and 18 आर टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ओके। सो 17, सो 17 and 18 आर को प्राइम नंबर, ओके। समझ में आ गया दोस्तों आपके कि को प्राइम नंबर कैसा है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, प्राइम नंबर देखा है, बाद में कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स ये देखा है, और वो कैसे हमें ढूंढने हैं, वो कैसे हम सॉल्व करने हैं वो भी हमने देखे हैं। तो दोस्तों मैं इस टॉपिक के ऊपर वर्कशीट तो देने वाली हूँ ही, लेकिन अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या अभिप्राय रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करो। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।